नमस्कार दोस्तों दोस्तों हर एक सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए चाहे आप इंडिया में किसी भी जगह के रहने वाले हैं, आप मुझे अन अकेडमी ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है, ताकि आप हर एक अपना गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ। उसके लिए आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर ऐप में जाकर अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर ओके करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया में। इस वीडियो में मैं आपके लिए न्यू रिक्रूटमेंट लेकर आई हूँ। आप कैसे अप्लाई करना है मैं आपको सारा प्रोसीजर बताती हूँ। सबसे पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। सीधा मैं आपको नोटिफिकेशन पर लेकर चलती हूँ। ये देखिए, पंजाब रेरा का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप देख सकते हैं। रेरा मतलब रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, 65 सेक्टर की तरफ से नोटिस आया हुआ है मोहाली में, पंजाबी पंजाब मंडी भवन की तरफ से। नेक्स्ट देखिए, अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई मोड जो है वो ऑनलाइन रहेगा, जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद देखिए, सीधा पोस्ट की बात कर लेते हैं। मैनेजर एडमिन में एक वैकेंसी है, 70,000 सैलरी रहेगी। मैनेजर एफ एंड में भी 70,000 सैलरी रहेगी, एक वैकेंसी है। और मैनेजर पीआर में 70,000 सैलरी है, एक वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर लीगल में एक वैकेंसी, 55,000 सैलरी होगी। एग्जीक्यूटिव जनरल में दो वैकेंसीज है और 45,000 सैलरी रहेगी। एग्जीक्यूटिव एफ एंड ए में एक वैकेंसी है और 45,000 सैलरी रहेगी। सिस्टम एनालिस्ट में एक वैकेंसी है और 45,000 सैलरी रहेगी। प्रोग्रामर में देखिए एक वैकेंसी है और 45,000 सैलरी रहेगी। और देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करना है, 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट है 3 अगस्त 2018। और एज लिमिट में देखिए, उन्होंने बताया हुआ है कि 63 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 21 से 63 तक आप अप्लाई ईजिली कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे इन्होंने टेक्निकल एक क्वेरी के लिए एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपने पोस्ट से रिलेटेड पूछा है, सीधा इसी नंबर पे कॉल कीजिए। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस नंबर पे कॉल करके आपको आपकी हर एक क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। सीधा मैं आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलती हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए, उन्होंने मेंशन किया, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, स्कैन की हुई या सिग्नेचर के साथ। और फोटो का साइज़ जो है 120 KB से नीचे ही होना चाहिए। और फर्स्ट स्टेप में देखिए, उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, आपको पहले वेबसाइट पर जाना है और अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्ट स्टेप पर। ऑनलाइन जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, और यहाँ फर्स्ट में इन्होंने बताया 20 जुलाई से 3 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड स्टेप में देखिए, स्टेप वन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, और स्टेप सेकंड है जो जब आप अपना स्टेप वन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको स्टेप सेकंड अपना कंप्लीट करना है। और अगर आपका स्टेप वन और सेकेंड गलत हो जाता है, अगर आप फेल रहते हैं सबमिट करने में ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपका जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी एप्लीकेशन। तो आराम से सोच समझ के ही फिल कीजिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपने इन्होंने फिफ्थ स्टेप में बताया कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और एप्लीकेशन आपने सेंड कर देनी है। मैं आपको बता देती हूँ, साइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ऑफिशियल साइट पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। और एट स्टेप में देखिए, यहाँ पे इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स के लिए जाना है। और उसके बाद देखिए, स्टेप है उसमें देखिए, इन्होंने बताया अगर आपके आपसे कुछ गलत डिटेल फील हो जाती है, आप उसे ठीक कर सकते हैं 3 अगस्त से पहले पहले। 10th स्टेप में देखिए, अगर देखिए जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो जनरेट हो जाएगी जब आप फिल कर देंगे ऑनलाइन, और उसके बाद आपने 2 प्रिंटआउट निकाल लेने हैं रजिस्ट्रेशन स्लिप के। 11th में देखिए, इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आपका कोई भी क्वेरी है, किसी से पूछने की बजाय ये इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 9 बजे से 5:30 बजे के बीच में। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इन्होंने बताया हुआ है अगर आपका कुछ रिजेक्ट हो जाता है, कुछ भी ऑनलाइन फॉर्म, कुछ भी गलत मिस्टेक के कारण, उसके लिए रेरा रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, आप रहेंगे। और जो वेन्यू है, डेट एंड टाइम है रिटर्न टेस्ट का, वो ये अपनी साइट पर अपलोड कर देंगे। आपको इंडिविजुअली कोई कुछ इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। और देखिए नीचे, यहाँ पे इन्होंने बताया न्यू रजिस्ट्रेशन पे फर्स्ट स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, आपका सेकंड स्टेप है एडिट रजिस्ट्रेशन, कुछ भी आपने एडिट करना है, लास्ट है टेक प्रिंट। तो इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप लिंक पर ओके करके अपनी सारी पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन एरिया में भी आप 3 से 4 लिंक होंगे, उसी वेबसाइट पर आप सारा पढ़ के फिर ही जॉब को अप्लाई कीजिए। और फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।